जिस तरह से आपको बिहार की सरकार पर भरोसा नहीं होता होगा कि कब किसकी सरकार बन जाएगी और कब किसकी सरकार गिर जाएगी, उसी प्रकार से बिहार के पुलों पर अगर आप चलते होंगे तो आपको भरोसा नहीं होता होगा कि कब पुल गिर जाएगा और आपका जान चला जाएगा। मैं इस बात को ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, बिहार में पिछले एक महीने के अंदर लगातार 10 पुल गिर गए हैं। और आपको बता दें कि इस क्षेत्र में पहली बार आज बारिश हुआ 2-3 दिनों के अंदर, और पहली बारिश में ही जो पुल था यह फंस चुका है। अब कितना नुकसान हुआ है, यहाँ पर कई लोग डूबे हैं या क्या हुआ है, यहाँ के लोगों से जानेंगे। और देखिए यहाँ पर लोगों का भीड़ आपको बता रहा होगा कि लोग पहले से इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं लोग कि कहाँ कब पुल गिर रहा है। लोगों को पता है कि पुल गिरेगा और पुल जरूर गिरेगा। उधर दिखाइए एक और पुल है उधर, वो भी हो सकता है कि 1-2 घंटे, 1-2 दिन या फिर 1 महीना के अंदर गिर जाए, क्योंकि यह सारे पुलों के साथ हो रहा है, सिर्फ एक जगह नहीं, पहले मधुबनी में, बेगूसराय में, मोतिहारी में, भागलपुर में, सिवान में, अब छपरा में गिरा है। जनता बाजार है, देखिए यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे, जो भीड़ है हजारों की भीड़, एक बार दिखाइए चारों तरफ लोग तमाशा देख रहे हैं। और लोग कर भी क्या सकते हैं, आखिर जब सरकारें ठेकेदारों को भ्रष्टाचार, ठेकेदारों को जब मिलेगा ठेका पुल बनाने, तो जो लोग दलाली करके पैसा बचा लेंगे तो यही हाल होगा। यहाँ के हम लोगों से बात करेंगे क्या करके, कब पुल गिरा है जी, पुल कब गिराई? हमको नहीं मालूम, हम तो अभी आ रहे हैं। अभी आ रहे हैं, किस लिए आए हैं? हम लोग बाजार करने आए थे। बाजार करने? कैसा लग रहा है बिहार में पूरा पुल गिर रहा है, आप लोगों का नाम हो रहा है, जनरल नॉलेज में नाम आ गया बिहार का कि पुल गिरने वाला आप सबसे ज्यादा राज्य बिहार है? अरे हम थोड़े बताएंगे सब। अच्छा लग रहा है? अच्छा क्या लग रहा? अच्छा नहीं लग रहा है। कब पुल गिराई? 12:30 बजे सुबह में? नहीं 12 बजे 12 बजे 12:30 में यही थे आप जी गिरते हुए देखे? हाँ। बिहार में लगातार 10 पुल गिर गया, क्या कहिएगा, कैसा लग रहा है, बिहार का नाम गौरव ऊंचा हो रहा है? नहीं बता सकते। कब पुल गिरा भाई साहब? पुल तो अभी गिरा है। अभी गिरा है, लगातार पुल गिर रहा है। डर और लगता है पुल से जब गुजरते हैं आप लोग? डर तो लगता है। डर लगता है? हाँ। बहुत डर लगता है। युवाओं से हम बात करेंगे, कहाँ से आए हुए हैं भाई साहब? हम मिर्जुमला से आए हुए हैं। मिर्जुमला से? किस लिए आए हैं आप? पुल देखने के लिए। हमारे वहाँ भी टूटने वाला है पुल, अभी यहाँ भी गिरा हुआ था, टूटने वाला है, अभी टूटने वाला है, टूट सकता है वहाँ का पुल। मतलब पता है आपको कि पुल गिरेगा? हाँ, लेकिन वहाँ पे कुछ पदाधिकारी आए हुए हैं, पुल भी गिर सकता है, लेकिन वहाँ उपाय चल रहा है, वहाँ पे उपाय चल रहा है। हाँ हाँ, बचा लिया जाए। हाँ बचा लिया जाए। कहाँ से हैं आप? जनता बाजार। जनता बाजार? हाँ। जनता बाजार में भी पुल गिर गया, बिहार का 10वां पुल शायद है। सब पुल गिर रहा है, सारा पुल गिर रहा है। कौन जिम्मेदार है इन पुलों को गिरने का? इसका जिम्मेदार नेते लोग है, ठेकेदार है। हाँ। अच्छा, कहीं सुने थे पूरे देश में, भारत इतना बड़ा देश है, तो इसमें कहीं सुने थे कि पूरे राज्य में इतना ज्यादा पुल किसी राज्य में गिरा हो? बिहार? नहीं, नहीं, किसी राज्य में नहीं, कहीं नहीं, सिर्फ बिहार। तो आखिर क्यों गिर रहा है? बिहार सरकार जिम्मेदार है इसके पीछे या कौन जिम्मेदार है? बिहार सरकार ही जिम्मेदार है। बिहार सरकार? हाँ। कैसे आखिर? काम जो है नेता है, जो ठेकेदार है, वो सब ढंग से नहीं करा रहे हैं। पुल बहता हुआ जा रहा है, आप दिखाइए एक बार, और हम कहेंगे कि सभी लोग जो हैं इस पुल से आप नहीं जाइए इस पुल पर, क्योंकि अभी आधा हिस्सा बचा हुआ है और आधा हिस्सा गिरा है। कुछ घंटों इंतजार करेंगे आप या फिर हम यहाँ रहेंगे तो आपको पता चलेगा हमारे कैमरे के बीच में ही पुल गिर जाएगा। कहाँ से हैं आप? हम यहीं पर। यही के हैं? हाँ। पुल गिरा तो देखे? हाँ देखे। नहीं आँख से देख रहे तो वहीं पे थे? आँख से नहीं देखेंगे तो पैर से देखेंगे। बात बताइए, बिहार का 10वां पुल लगभग गिरा है शायद? हाँ, लगातार गिर रहा है। पुराना वाला भी गिरने वाला है। अच्छा, अभी और गिरेगा? वो भी फट गया है, वो भी 24 घंटे के अंदर में गिर जाएगा। इतना तो भविष्यवाणी कोई बड़ा आदमी भी नहीं करता, वो शराब कर रहा है। भविष्यवाणी क्या करना है, जो आदमी देखता है, आप ही रहिएगा, आप गिर जाइएगा तो आपको प्रॉब्लम रहेगा, तभी ना गिर जाइएगा, कैसे ही गिर जाइएगा। कहीं आपको विश्वास है कि ये वाला पुल भी गिरेगा? आदमी जब देखता है कि मतलब हम खड़े हैं, हमको चक्कर आ गया, तो बोलेगा कोई प्रॉब्लम है, तभी तो आदमी गिर रहा है। कौन है बिहार में सर से पुल गिर रहा है? इसके बारे में हम नहीं बताए। जो काम का ठीका लिया है वो सही से इंजीनियर नहीं पास सही से देखा रहा था। इसमें रॉड देखिए, रॉड है एक भी आपको दिखाई दे रहा है? देखिए सही कह रहे हैं लोग, देखिए रॉड आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक रॉड दिखाई दे रहा है इतना बड़ा पुल में, देखिए रॉड, कोई रॉड नहीं दिखाई दे रहा। रोड के साइड में एक भी रॉड दिखाई दे रहा है? कोई रॉड नहीं दिखाई दे रहा है। भ्रष्टाचार तो देखिए आप, रॉड दिखाई दे रहा है तो गलत बोल रहे हैं, तो बोली सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पानी में जैसे पत्ता बह जाता है उस तरह से पुल बह रहा है। तो वो तो देख रहे हैं कि इसमें मटेरियल नहीं रहेगा तो क्या होगा? एक भी रॉड नहीं दिख रहा है। कहाँ दिखाई दे रहा है रॉड? एक भी नहीं दिखाई दे रहा है। कौन जिम्मेदार है इसके पीछे पुल जिस तरह गिर रहा है? जो बनाया है वो जिम्मेदार है, दूसरा कौन होना चाहिए? ना होना चाहिए, एक भी रॉड दिखाई दे रहा है। इंजीनियर के ऊपर जाना चाहिए, कैसे पास किया, कैसे पास कर दिया? आप नहीं बोल सकते है कि इंजीनियर के पास नहीं बोलेंगे? हाँ तो वही, इसीलिए तो आए हैं, क्योंकि जो भी किया है, नहीं नहीं जो बनाया होगा, चाहे कितना साल भी पहले बना हो। अच्छा कितना साल पहले बना था ये पुल?
ये मालूम नहीं मेरे को। पहले इसमें दम है पुल में, देखिए तो कितना साल पहले पुल बना ये मालूम नहीं है। 20 साल हो गया लमसम, 4-5 मतलब 20 साल मुश्किल से हुआ होगा। सोचिए एक पुल की उम्र 100 साल के आसपास होती है, लेकिन यहाँ पर पुल मात्र 20 सालों में गिर जा रहा है। यहाँ देखिए लोग तमाशा बनकर देख रहे हैं, लेकिन लोग कर भी क्या सकते हैं। सोचिए अच्छा कुछ क्षति भी हुआ है क्या यहाँ पे? क्षति भी कुछ नहीं, कुछ क्षति नहीं हुआ, नहीं पहले ही अलर्ट कर दिया गया था। पहले अलर्ट कर, पहले ही कह दिया गया था कि गिरेगा, हट जाइए आप लोग। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग कहाँ रहते हैं, यहीं रहते हैं या फिर बाहर और कमाते हैं? नहीं हम लोग यहीं रहते हैं, यहीं रहते हैं। बिहार के लिए कितनी शर्म की बात है कि बिहार में लगातार पुल? बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। जीके बन जाएगा कि सबसे ज्यादा पुल गिरने वाला राज्य बिहार है? बिहार है ना जी, एक तो बिहारी है कि इतना पुल गिर रहा है, ये 7वां-8वां नंबर है। अभी देखिए कितना पुल गिरेगा। हम लोग जा रहे थे न्यूज कवरेज करने की, एक पुल गिरा हुआ था, तब तक आधे रास्ते में फोन आया कि आपके क्षेत्र जनता बाजार में ही पुल गिर गया है, तो हम लोग पहले यहाँ आ गए क्योंकि अपने क्षेत्र की समस्या है। अच्छा है भैया एक बात बताइए, जनता बाजार में आप लोग रहते हैं, पुल जिस तरह से गिर रहा है या बिहार के लिए कितनी शर्म की बात? शर्म की बात तो है, पूरा शर्म की बात है। अब तो आप लोग जब जाइएगा बाहर तो लोग कहेगा कि आप उसी बिहार से हैं जहाँ पुल गिरता है। हाँ बोलता है लोग, अभी भी अभी बोलता है लोग। पुराना पुल है, सबसे पुराना पुल है, नया से भी पहले वो पुल बना था लेकिन वो नहीं टूटा, उससे पहले ये पुल टूट गया। बताइए इसमें एक रोड नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लोग कर रहे हैं खुलासा। देखिए लोग बता रहे हैं एक रोड, आप देखिएगा कैमरे में, एक रोड सही मायनों में नहीं दिख रहा उस पुल में। देखिए उस कोना में जो पुल गिरा हुआ है, एक रोड आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। कैसे बनाया गया था? अंग्रेज का जो पुल है उसी तरह पड़ा हुआ है। आइए देखिए 20 साल में पुल टूट के गिर गया। वो जो अंग्रेज बनाए थे आजादी के पहले जो पुल बना, आज तक नहीं गिरा, वो तो अभी तक नहीं गिरा है, उसका भी उसका गिरने में बहुत टाइम लगेगा। इधर लेके आइए, इधर लेके आइए, और कुछ लोगों से हम बात करेंगे। इधर बहुत लोग यहाँ पर सेल्फी और फोटो लेने के लिए आए हुए हैं। हम कहेंगे कि आप लोग इस पे भी विश्वास मत कीजिए, कहीं ये भी फंस के अंदर ना चला जाए। थोड़ा सा आप लोग पीछे हटिएगा, और जो पुल है, पुल जिस तरह से गिरा क्या पता कहीं ये भी फंस के अंदर ना चला जाए। कहाँ से आए हुए हैं? यही दुकान है, यही दुकान है आपकी? उम्मीद था कि पुलवा गिर जाएगा? नहीं उम्मीद नहीं था। बिहार में लगभग हर जगह पुल गिर रहा है, तो ऐसा काम हो तो गिरेगा नहीं? सब अंग्रेज का बनाया है, ये कहो कि बिल्डिंग आज रेलवे का है उसी तरह है। आया सरकार में आज बनता है कल गिरता है, आगे से बनता है पीछे से भरता है, चटाई का रोड बिछड़ा जाता है, ऐसा काम होता है। कहीं आप कहना चाहते हैं कि इससे अच्छा तो अंग्रेज थे जो भले गुलाम किए लेकिन सभी सभी चीजों को अच्छा अच्छा दिए। एक भी सरिया नहीं है इसमें, देखिए एक भी सरिया दिखाई नहीं दे रहा आपको। सब दो नंबर ईटा से बना है, अंग्रेज के जमाने का पुल है, अंग्रेज के जमाने का पुल है, आज भी है वो। बताइए आज भी है, एक खरोच नहीं आया उसमें, एक खरोच नहीं है। ये देखिए नीचे 7 दिन पहले बना था, 5-7 साल पहले बना है, आप लोग देखते हुए बना है? जी देखते हुए बना है। नहीं देखे हैं, नहीं देखे, मतलब बहुत पुराना पुल है ये वाला। देखे थे जब बन रहा था, इसमें कोई पिलर जो बना हुआ है इसमें कोई कटिंग नहीं है, ये प्लेन ऐसा ही जैसे जोड़ाया हुआ, ऐसा ही खड़ा कर दिया गया है। वो तो भाग भरोसे चल गया, 10-15 साल चल गया, जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है यहाँ। जी बहुत खिलवाड़ किया जा रहा, होता उस समय तो मर जाता ना, मर जाता, मर जाता। आगे पानी जा रहा है, आगे और भी पुल टूटा होगा, और भी पुल टूटेगा। हाँ ऐसा जब परिस्थिति है तो आगे और भी पुल है। इस पुल के नीचे से पानी निकल रहा था पहले जब बना था ना, तो उसी समय पोल के पुल जो है इसके नीचे से पानी जा रहा था, पुल के ऊपर नहीं जा रहा है। सरकार बदल गया जो बनवाए थे। अच्छा जो बनवाए थे बदल गया, बदल गए, हार भी गए। राजनीति मत कीजिए यहाँ पर आप लोग, राजनीति नहीं, कोई सरकार में हो उससे मतलब नहीं है हम लोगों को, लेकिन यहाँ के लोगों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। देखिए उधर पुलिस वाले लोग आए हुए हैं, खड़े हैं कि अब लोगों को बचाया जाए, लेकिन पहले कहाँ थे जब बन रहा था? उस समय आना चाहिए था ना, कैसा काम हो रहा है। इधर आइए, हटिए थोड़ा सा, इधर आइए। आप लोग, आप लोगों से हम कहेंगे कि आप लोग पीछे हो जाइए, भाई पीछे हटो, गए जाओगे उधर। कहाँ है हो? इधर कहाँ है हो? यहीं पे देखने आए हैं, पुल देखने आए हो? हाँ तो देखे हो, अमंदा उस पे थे, तुम होता उस पे गिर जाता तो क्या होता? हम उस पे नहीं थे, वहाँ पर खड़े थे, गिरा तो देखा। हाँ हाँ, देख के मजा आ रहा है, खुशी हो रहा है कि दुख हो रहा है? दुख हो रहा है, दुख हो रहा है। हाँ बताइए, छोटा छोटा बच्चा को भी दुख हो रहा है कि हमारा पुल गिर जा रहा है, कैसा काम हो रहा है, हमारा पैसा टैक्स का पैसा है, जो लोग यहाँ खड़े हैं इन लोगों के पैसों से पुल बनता है, ना कि किसी नेता के पैसों से बनता है, भले बनवाता नेता है इसीलिए गिर जाता है। ऐसे ऐसे अगर लोगों, सुनिए, अगर आम लोगों को ठेका मिले तो मुझे लगता है कि ईमानदारी से काम हो जाएगा।
लेकिन दलालों को मिलता है ठेका। सर कितना पुराना पुल है देख लीजिए, पुराना होगा वो, बहुत ज्यादा पुराना होगा, बहुत पुराना, इससे तो ज्यादा वो पुराना हुआ है, वो सही चल रहा है, वो सही चल रहा है। गुस्सा है, लोगों का गुस्सा देखिए, कहीं ना कहीं हम कहेंगे आप लोग शेयर कीजिए, और जो भी इस पुल को बनवाया था चाहे 20 साल पहले की नहीं रहे, पुराना तो क्या जरिए उसका, जितना दिन पहले बना हो, जिसने भी बनवाया हो, जितने भी इसको पास किया हो इंजीनियर, उन सभी लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए, और सिर्फ कार्रवाई नहीं बल्कि जेल होना चाहिए, क्योंकि लाखों लोगों के साथ उन लोगों ने खिलवाड़ किया है। अगर कोई मर जाता तो उसका लाश भी नहीं मिलता, सोचिए इस पानी में कोई नहीं मिलता। बनवाने वाला को पता है कौन बनवाया था? नहीं मेरे को मालूम पता है, मेरे को मालूम है नहीं है। ये पुल के बनते देख लेने से, गिरता हूँ देख लेने, लेकिन हो जाएगा बाबूंगा पहले बाबी ले, बहुत पहले का पुल हो। बाकी आप सभी से कहेंगे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और यहाँ के जो स्थानीय ब्लॉक के वीडियो साहब हैं, सीओ साहब, उन लोगों से भी कहेंगे कि एक बार आइए और जांच कीजिए इस पुल को, कि आखिर जिन लोगों ने बनवाया वे लोग आज कहाँ हैं, उनके घर का दीवार गिरा नहीं गिरा तो आखिर पुल क्यों गिरा, जवाब तो देना पड़ेगा, और उन लोगों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। बहुत बहुत आभार, जय हिंद।